स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ई कॉमर्स में उसके मॉडल्स के बारे में, चाहे मॉडल्स कह लो, चाहे टाइप्स कह लो और चाहे इसके मोड्स कह लो, सब एक ही बात है। एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आना है तो आपको ये समझ जाना है कि टाइप्स पूछा जा रहा है। जब भी आप ई कॉमर्स के मॉडल्स की बात करेंगे, आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, तीन कोर एलिमेंट है इसमें, एक बिजनेस, एक कस्टमर्स और एक गवर्नमेंट। ये तीनों मेजर एलिमेंट है जो ई कॉमर्स को कंप्लीट करते हैं मॉड्यूल फॉर्म में। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो ये बिजनेस बिजनेस से भी ई कॉमर्स करता है और बाकी दोनों एलिमेंट से भी करता है। बिल्कुल इसी तरीके से कस्टमर कस्टमर से भी होगा, बाकी दोनों से भी होगा। गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट से भी करती है ई कॉमर्स, और बिजनेस और कस्टमर से भी करती है। तो इन ऑल हम ये कह सकते हैं ये तीन एलिमेंट मिल करके 9 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये 9 कॉम्बिनेशन में आपको एक एक करके समझाती चलूंगी। आज हम मेजर जो कॉम्पिटेंस है, जो मॉडल है, उसकी बात करते हैं, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम अगर एब्रिविएशन फॉर्म में कहें या ये शॉर्टकट में कहें तो इट इज ए वेल नोन एज B2B मार्केट। तो B2B ई कॉमर्स क्या है, इसको समझने से पहले ये समझ लो कि इसके कुछ खासियत है B2B की। हम ये कह सकते हैं ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसके काम क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या होलसेलर से रिटेलर के बीच में ई कॉमर्स होता है। एक बात जो आपको यहाँ ध्यान देने की है, जब भी आप B2B की बात करेंगे, यहाँ पे क्योंकि कस्टमर कंज्यूमर नहीं है, ध्यान देना मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ का जो कस्टमर है वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर वो होता है जो एंड यूजर होता है, कंज्यूमर हो चाहे कस्टमर हो, एंड यूजर यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो भी इसका बायर होगा वो आगे फिर से प्रोवाइड करेगा, तब कहीं एंड यूजर सामने आएगा। तो इस पूरे सीन में एंड यूजर नहीं होता, बिजनेस का बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस इज नॉट द एंड यूजर। बात समझ में आ रही है, इसलिए कहा जाता है यहाँ बिजनेस ही तो सेलर है और यहाँ बिजनेस ही तो बायर है, यानी सेलर और बायर दोनों ही यहाँ बिजनेस है। ठीक बात समझ में आ रही है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस यूनिट जो है वही सेलर है, वही बायर है। इसका मतलब एंड यूजर यहाँ पे कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बायर के रूप में है वही फिर आगे जाकर के चाहे रिटेलर को माल बेचे या किसी एंड यूजर को माल बेचे, तब कहीं जाकर के वो एंड यूजर का सीन सामने आएगा। कहने का मतलब यह है इस पूरे मॉडल में एंड यूजर नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड B2B, बिजनेस का बिजनेस के साथ में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो रहा है। दूसरी बात यह है, रेफर्स टू बिजनेस बिटवीन बिजनेसेस, यहाँ का जो भी दोनों पार्टी हैं, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस डन किया जाता है बिजनेसेस के बीच में। ध्यान देना क्या बोल रही हूँ, इट रेफर्स टू बिजनेस डन बिटवीन बिजनेसेस, बिजनेसेस के बीच में यहाँ बिजनेस किया जाता है, कोई भी एंड यूजर नहीं होता। यहाँ का कस्टमर भी बिजनेस ही है और सेलर भी बिजनेस ही है। ठीक बात है, यहाँ जो मैंने लिखा है M2W और W2R, इसका मतलब है क्योंकि बिजनेसेस ही है यहाँ पे और जो बायर और सेलर है दोनों ही बिजनेस है, हम ये कह सकते हैं इट मे बी मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और इट मे बी होलसेलर टू रिटेलर, है तो दोनों ही केस में नॉट एंड यूजर, राइट। बात समझ में आ गई होगी। अब जरा बात करते हैं कैसे ये काम करता है। अब जरा सोचने की बात है, यहाँ आपको एक मॉडल का मैंने डायग्राम बना दिया है, थोड़ा सा ध्यान दो इसमें, जो इम्पोर्टेंट फोकस या इनिशियल स्टार्टिंग जहां से करनी है, जो चीज है दैट इज दिस वेबसाइट। जब भी B2B ई कॉमर्स की बात करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद वेबसाइट। क्या होगा, बिना वेबसाइट के कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ये चीज क्लियर रखो दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बिजनेसेस के बीच में किया जा रहा है। तो एक बिजनेस यूनिट, जिसको हम यहाँ ये मान लेते हैं एक बिजनेस यूनिट है, जो कि सबसे पहले अपनी वेबसाइट को डेवलप करेगी और वेबसाइट पे अपने ऑर्डर्स लेगी। समझ रहे मेरी बात को, ये वेबसाइट एक तरीके से लिंक का काम करेगी दो बिजनेसेस के बीच में ऑर्डर प्लेस करने के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी। तो जब वेबसाइट है, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ के जो होलसेलर है, होलसेलर का मतलब एक और बिजनेस यूनिट, इस होलसेलर ने यहाँ पे वेबसाइट पे जा करके, जो कि इस बिजनेस यूनिट की वेबसाइट है, इसने अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपलोड कर रखा है। एक दूसरी बिजनेस यूनिट जो कि होलसेलर के नाम से जानी जा रही है, वो इस वेबसाइट पर जा करके अपने ऑर्डर प्लेस करती है।
इन ऑर्डर्स को वो ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है, ये वाला बिजनेस यूनिट जिसकी ये वेबसाइट है। ये अपनी बिजनेस वेबसाइट पर जाकर के ना केवल अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को अपलोड करता है, बल्कि जो बाहर थर्ड पार्टी की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हैं उन ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग भी करता है। दैट्स व्हाई ये अगर आप एरो देखोगे ये दोनों तरफ है, यानी बिजनेस यूनिट से वेबसाइट की तरफ और वेबसाइट से ही बिजनेस यूनिट की तरफ, क्योंकि यहाँ तो ये अपने माल या अपने सेवाओं को या उनको डालेगा प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पे जो आए हुए ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स को वो प्रोसेस करेगा। तो ये वेबसाइट एक मिडिल लिंक का काम कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म का काम करेगा। अब आगे बात करते हैं, जो ऑर्डर प्लेस हुए उनकी ऑर्डर की प्रोसेसिंग करेगा। होलसेलर ने यहाँ पे ऑर्डर डाला, इन्होंने उस ऑर्डर की प्रोसेसिंग करी, देन दे सप्लाइज टू होलसेलर। यहाँ ये जो बिजनेस यूनिट है ये अपनी सप्लाई देगा और उस जो होलसेलर है एक दूसरा बिजनेस यूनिट है उसको अपने ऑर्डर की पूर्ति करेगा। यहाँ ये जो होलसेलर है जो सप्लाई उस बिजनेस यूनिट से आई है जहां पे इन्होंने ऑर्डर लगाया था, उस सप्लाई को ये सेल करेंगे। किसे सेल करेंगे? कस्टमर को। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये कस्टमर एंड यूजर नहीं है, ये कस्टमर सप्लायर हो सकता है, ये कस्टमर रिटेलर हो सकता है, ये कोई डीलर हो सकता है, कोई एडवर्टाइजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये कस्टमर एंड यूजर नहीं है। तो यहाँ जो कस्टमर है इसको भी ध्यान देना और यहाँ जो वेबसाइट है इसको भी ध्यान देना। स्टार्टिंग वेबसाइट से होगा और एंड कस्टमर से होगा, पर ये कस्टमर एंड यूजर नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप वहां पे कस्टमर की जगह एंड यूजर लिखाते हो, ये पूरा मॉडल या पूरी ये जो डिस्क्रिप्शन है ये टोटली गलत हो जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है, स्टार्ट वेबसाइट से करके कस्टमर पे एंड करना। कस्टमर और जो स्टार्टर है, स्टार्टर और जो कस्टमर एंडर है, ये दोनों ही बिजनेस यूनिट है। एक बिजनेस यूनिट ने अपनी वेबसाइट डेवलप करी, उस वेबसाइट पे अपने बारे में सारी चीज डाली, जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे वांट टू सेल, देन कोई भी थर्ड पार्टी से कोई भी बिजनेस यूनिट उस वेबसाइट पे जाकर के सर्व करती है, अपने ऑर्डर प्लेस करती है, इन आए हुए ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग ये बिजनेस यूनिट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई उस बिजनेस यूनिट को करेगा, ये बिजनेस यूनिट जो सप्लाई आई है उसको वो सेल करेगी अपने दूसरे रिटेलर्स को या किसी और दूसरे नीचे डीलर वगैरह है उनको। इस तरीके से हम कह सकते हैं B2B जो मॉडल है ये कंप्लीट होता है ई-कॉमर्स में। ये छोटा सा तो है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ना हमेशा आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मॉडल है B2B जिसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं ये आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। मैं चाहूंगी आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ना केवल आप शेयर करें बल्कि कमेंट भी करें। इसके साथ ही अगर आपको किसी नए टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो यू कैन शेयर योर आइडियाज विद मी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।